छत्तीसगढ़ के चिरमिरी में मुस्लिम समुदाय चिरमिरी के विभिन्न क्षेत्रों से परंपरागत ताजियों का जुलूस निकालकर इमाम हुसैन की शहादत को याद किया गया। इस दौरान मुस्लिम युवाओं ने कई कर्तव्य और रोचक पूर्ण प्रदर्शन भी किए। नगर के मुख्य चौक चौराहों से होते हुए मातमी जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय इस जुलूस में शामिल हुए, जहां मुस्लिम समुदाय द्वारा जगह जगह पर लंगर की व्यवस्था की गई थी। हल्दीबाड़ी, टीना, दफाई, मोहन कॉलोनी, हीरागिर, दफाई से अलग अलग ताजिया निकाले गए, जो एक स्थान में एकत्र होकर एक बड़े जुलूस के रूप में आगे बढ़ते गए। जुलूस की भारी भीड़ को देखते हुए चिरमिरी पुलिस और प्रशासन ने आने जाने वाली गाड़ियों का रूट में परिवर्तन किया था और जगह जगह पर शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया था। ये जुलूस देर रात तक मुख्य मार्ग होते हुए आगे बढ़ता गया, जबकि मौसम की खराब होने के बाद भी लोगों की भीड़ में कोई कमी नहीं देखी गई। इस संबंध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मीडिया को जानकारी देते हुए ताजिया क्यों निकाले जाते हैं इसके बारे में शेख इस्माइल ने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आपका नाम? शेख इस्माइल। ये ताजिया निकाला जा रहा है, इसका मकसद क्या है और ये झंडा का प्रतीक क्या है, ये दोनों चीज़ के बारे में बताएंगे। ताजिया इमाम हुसैन का रोज़ा है। जी जी। जो कि जब इमाम हुसैन की शहादत हुई थी और उसके बाद हमारे समाज की तरफ से एक प्रतीक रूप है उसको निकाला जाता है ताजिया को। और जो आप आलम की बात कर रहे हैं वो एक शांति का प्रतीक का झंडा है, जो हमारे समाज के लिए और लोगों को शांति का प्रतीक समझे उसका प्रतीक है। आप ये बताइए, चिरमिरी क्षेत्र में दो तीन तो ताजिया निकल रहा है, कहाँ कहाँ से निकल रहा है? ये पौड़ी से निकलता है, उसके बाद छोटी ब्याह से निकलता है, हल्दीबाड़ी से निकलता है, डोमरी से निकलता है। ये अभी अभी जो हल्दीबाड़ी में ताजिया निकल रहा है ये कहाँ कहाँ का है? ये हल्दीबाड़ी के लिए निकल रहा है, एक मोहन कॉलोनी का है, दूसरा हीरागिर का है, तीसरा आपका जो सबसे पुराना ताजिया हल्दीबाड़ी। ये निकल कर कहाँ विसर्जन होगा इसका? बड़े बाजार करबला, करबला में होगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।